उत्तराखंड में 2022 के चुनाव की गर्माहट अब भगवानपुर विधानसभा में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बीएसपी में शामिल होने की बात कबूल कर रहे हैं। बीजेपी नेता का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों में भी हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि सुबोध राकेश भगवानपुर विधानसभा के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनके बीजेपी से चले जाने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। वहीं बीजेपी नेता मास्टर सतपाल का कहना है कि देवर भाभी से अब भगवानपुर की जनता पूरी तरह से उब चुकी है और इस बार भगवानपुर विधानसभा से बीजेपी का विधायक आने वाला है। आपको बता दें कि वर्तमान में बीजेपी नेता मास्टर सतपाल 2022 में इसी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। बच्चों के सपनों को भी साकार करने के लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो अपने चुनाव में किए हुए वायदों को पूरा करे। तो लोग उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं, उनको विकल्प की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का काम का मॉडल है वो विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं बना। सुबोध राकेश का बीएसपी ज्वाइन करने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। एक कद्दावर नेता वो माने जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। तो उत्तराखंड में 2022 के चुनाव की गर्माहट भगवानपुर विधानसभा में भी देखने को लगातार मिल रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वीडियो में वो खुद बीएसपी में शामिल होने की बात कबूल कर रहे हैं। बीजेपी नेता का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि सुबोध राकेश भगवानपुर विधानसभा के कद्दावर नेता हमेशा से ही माने जाते रहे हैं, जिनके बीजेपी से चले जाने के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। वहीं बीजेपी नेता मास्टर सतपाल का कहना है कि देवर भाभी से अब भगवानपुर की जनता पूरी तरह से उब चुकी है और इस बार भगवानपुर विधानसभा से बीजेपी का विधायक आने वाला है। आपको बता दें कि वर्तमान में बीजेपी नेता मास्टर सतपाल 2022 में इसी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ चुके हैं। रुद्रपुर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस एसओजी और एटीडीएफ टीम ने संयुक्त रूप से कीछुआ मार्ग पर चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से ले जाए जा रहे 85 लाख रुपए की कीमत के अवैध गांजे समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके साथियों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। इसके साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से अस्पताल में आने वाले हर मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। वहीं इस पर डॉक्टर बंजला ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचाव करने और सजग रहने को लेकर नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट भी जल्द शुरू किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से बचाव के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है और डेली जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं उनका सबकी पहले रैपिड जांच होती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं आपका ओपीडी बेस का सारा पेशेंट्स का सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं। एक दो दिन में यहाँ पे आरटीपीसीआर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन से लड़ने में हमें और सहायता मिल सके। बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है लगातार और वैक्सीनेशन भी हमारा चल रहा है, सभी क्षेत्रों में हमारी टीम्स जा रही हैं रोज़ वैक्सीन लगाने के लिए और जहाँ तक देखा जा रहा है 70-80% हमने कवर कर दिया है अपने एरिया में वैक्सीनेशन का ही बाकी हैं और फर्स्ट तो हो गई हैं, बहुत रेयर केस में बची हुई हैं। तो नानकमत्ता की तस्वीरें आपने देखी, जहाँ पर अस्पताल में आने वाले हर मरीज को ओमिक्रॉन से बचाव की जानकारियां लगातार दी जा रही हैं। उधर कर्णप्रयाग में पंचबद्रियों में एक भगवान आदि बद्री धाम के कपाट आज पौष महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का आदि बद्री आयुर्वेदिक चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजू ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई स्कूलों और महिला मंगल दलों की तरफ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मंदिर के पुजारी चक्रधर थपलियाल ने बताया कि मंदिर के पाट एक महीने के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान आदि बद्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे।
हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी एक महिला ने बहादुराबाद के गढ़मीरपुर स्थित एक इंटर कॉलेज मालिक पर उनके दस्तावेज लगाकर प्रबंधक दर्शाकर सरकार से अनुदान लेने का आरोप लगाया है, जबकि उस समय अन्य महिला प्रबंधक तैनात थी। महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। महिला का कहना है कि जिस मामले में वो सम्मिलित नहीं रही और उसमें उन्हें जेल तक जाना पड़ा, अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाएंगी। महिला का आरोप है कि कॉलेज के मालिक ने बिना सोचे समझे महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी। वर्तमान में मामला शिक्षा मंत्री कार्यालय में लंबित पड़ा हुआ है। तो हरिद्वार का ही पूरा मामला है, जहां पर एक महिला लगातार न्याय के लिए भटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल उसका कहना है कि भ्रष्टाचारियों की लगातार मदद की जा रही है, जिसकी वजह से उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हरिद्वार का जगजीतपुर ये बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला ने बहादुराबाद के गढ़मीरपुर स्थित एक इंटर कॉलेज मालिक पर उनके दस्तावेज लगाकर प्रबंधक दर्शाकर सरकार से अनुदान लेने का आरोप लगाया, जबकि उनका कहना है कि उस समय अन्य महिला प्रबंधक तैनात थी। महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। उसका कहना है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। महिला का कहना है कि जिस मामले में वो सम्मिलित नहीं रही उसमें उन्हें जेल तक जाना पड़ा है, अब वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाएगी। महिला का आरोप है कि कॉलेज के मालिक ने बिना सोचे समझे महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी है। उसका कहना है कि फिलहाल ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री कार्यालय में लंबित चल रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री पर भी वो कई गंभीर आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो लिप्त है, इसी वजह से इस पूरे मामले को लटका कर रखा हुआ है। आर अम्बेडकर स्कूल की फाइल जो शिक्षा मंत्री के पास है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगी और आत्महत्या भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इस बहुत शोषण हो रहा है। इसमें मैं लगातार शिक्षा मंत्री से वार्ता भी कर रही हूँ, जा रही हूँ उनके पास, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने हाथ जोड़कर विनती भी करी है कि सर यह मेरी आत्मा का मेरे सम्मान की वो है थ्रेश पहुंच रही है बहुत ज़्यादा, मेरे परिवार को बहुत नुकसान हो जाएगा। गलत काम क्यों कर रहे हो आप, मैं सही काम के लिए लड़ रही हूँ तो आप मेरी शिकायत क्यों नहीं सुनते हो। तो शिक्षा मंत्री ने मेरे से एक बार ये भी कहा कि हम आपकी बात जरूर सुन रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं प्रेशर के जगजीतपुर निवासी एक महिला ने बहादुराबाद के गढ़मीरपुर स्थित एक इंटर कॉलेज मालिक पर उनके दस्तावेज लगाकर प्रबंधक दर्शाकर सरकार से अनुदान लेने का गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो समय अन्य महिला प्रबंधक तैनात थी, लेकिन उसे इस पूरे मामले में फंसाया गया है। महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है, साथ ही साथ आत्मदाह करने की भी बात कही है। महिला का कहना है कि जिस मामले में वो सम्मिलित नहीं रही उस मामले में उसको जेल तक जाना पड़ा, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाएगी। हरिद्वार से मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो ये मामला है ये हरिद्वार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गढ़मीरपुर से जुड़ा है, जहां सरकार द्वारा जो है शिक्षकों को अनुदान के रूप में जो राशि दी जाती है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री द्वारा आदेश किया गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कॉलेज है गढ़मीरपुर का, इसका जो अनुदान है वो पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। लेकिन जो इसकी जो फाइल है वो शिक्षा मंत्री पास पहुंची, लेकिन आरोप लगाया गया कि शिक्षा मंत्री जो भ्रष्टाचारी के कॉलेज मालिक बताया जा रहा है, उसकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक आ पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पूरा प्रकरण है फर्जी नियुक्ति मामले में, पहले भी मालिक जो स्कूल का मालिक है और उसके परिवार के जो लोग हैं और अन्य कुछ शिक्षक और तो लोग जेल भी गए थे, लेकिन उस चारे बाद जो मालिक है वो तो इस मामले में बिल्कुल जो अपने लोग हैं जो अनुदान की राशि का जो भ्रष्टाचार किया गया है उसको बराबर दबाने की कोशिश कर रहा है। और शिक्षा मंत्री जो मामला है वो पूरे शिक्षा मंत्री के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया कि जो जो शिकायतकर्ता महिला है। इंतजार, इस पूरे मामले में क्या कोई आश्वासन महिला को मिल पाया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो शिकायतकर्ता महिला है रेखा, उसके द्वारा बताया गया है कि मैं कई बार शिक्षा मंत्री से मिली हूँ और शिक्षा मंत्री ने फिर मुझे कहा है कि जो मुझे राजनीतिक दबाव इस तरफ का आ रहा है जिसमें मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, और इस तरह के आरोप भी वो लगा रही है कि शिक्षा मंत्री के पास जो ये पूरा मामला है वो लंबित पड़ा है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा उसने कहा है कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, साथ ही साथ वो आत्मदाह की धमकी भी दे रही है। तो इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
जी बिल्कुल, देख के बताना चाहूंगा जो शिकायतकर्ता जो महिला है उसका कहना यह है कि यदि जो मेरा जो प्रकरण है मैंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को संज्ञान में डाल दिया, उस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं आमरण अनशन पर बैठने के लिए बातें रहूंगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मामला जहां पर एक महिला ने शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचारियों की मदद करने का आरोप इस महिला ने लगाया है। महिला का कहना है कि कॉलेज के मालिक ने बिना सोचे समझे महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी है और ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री कार्यालय में लंबित बना हुआ है।